ठीक है, तो क्या किया, एक क्वेश्चन ले लिया, क्या बोल दिया, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। तो बस कुछ नहीं किया, सर्कल की कंडीशन लगा दो। सर्कल की कंडीशन क्या थी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो पहले वाले समय से क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, टू लैम्डा माइनस एट इज इक्वल टू लैम्डा माइनस टू आ गया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, लैम्डा निकाल लिया। तो यहाँ से लैम्डा निकाल, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है, दिख रहा है मुझे, ठीक है। वैसे नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकंड कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एक्स और वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना दिख रहा है, म्यू माइनस सेवन, यहाँ से जीरो आ गया, तो म्यू इक्वल टू कितना हो गया, सेवन हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो यहाँ से लैम्डा और म्यू आ गया, यही था क्वेश्चन। अच्छा चलो, मैंने इसमें क्या बोल दिया कि चलो इसमें सेंटर और रेडियस फाइंड करो, तो तुम क्या करोगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट यहाँ पर क्या करो, फिर से प्लग इन कर दो। तो जैसे तुमने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर डाल दिया, तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, कहाँ डालोगे लैम्डा की वैल्यू, उठा के यहाँ डाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम डालोगे तो कितना जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी डालोगे तो भी यहाँ पर फोर वाई स्क्वायर हो जाएगा। सीधी सी बात है, दोनों सेम तो है, सेम तो किया है तभी तो आया लैम्डा। और यहाँ पर एक्स और वाई का कोएफिशिएंट तो क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस को छोड़ दो, माइनस ये कितना हो जाएगा, एट वाई हो जाएगा, माइनस यहाँ से थ्री इक्वल टू जीरो। क्या बताया था, पहले फोर से डिवाइड करो, तो फोर से डिवाइड किया तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू माइनस ये कितना हो जाएगा, टू वाई माइनस ये कितना हो गया, थ्री वाई फोर इक्वल टू जीरो। बस अब यहाँ से सेंटर मुझे दिख रहा है, सेंटर कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ वन बाई टू है उसको और हाफ कर दो तो वन बाई फोर, ठीक है। टू से डिवाइड किया, माइनस एन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी माइनस दिखा तो ये भी प्लस हो जाएगा, टू से डिवाइड किया तो ये हो गया। रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज इक्वल टू रूट, ठीक है, ये जो 1 बाय 4 लिखा इसका स्क्वायर किया तो 1 बाय 16, 1 का स्क्वायर किया तो 1, माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया, 3 बाय 4। इसको तुमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, ओके कैलकुलेट कर लेना, तो यहाँ से क्या हो गया, सेंटर और रेडियस आ गया, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन किया, ऐसे आगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन ले लिया, क्या बोल दिया, द पॉइंट पी, फाइंड द पॉइंट पी ऑन दिस सर्कल सच दैट एंगल पी ओ एक्स इज मिनिमम और सेकेंड पार्ट इज OP is maximum। अच्छा पी ओ एक्स का मतलब ये था x एक्सेस, ओके, और OP मतलब, O मतलब क्या, यहाँ पर ओरिजिन। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस सर्कल को बनाते हैं अच्छे से, जैसे यहाँ पर ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से सेंटर कितना आ रहा है, टू कॉमा थ्री आ गया, रेडियस भी निकाल लेते हैं, रेडियस कितना हो जाएगा, रूट फोर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, फोर प्लस ये कितना हो जाएगा, नाइन, माइनस नाइन हो गया, तो यहाँ से रेडियस कितना आ गया, टू, ठीक है। तो अगर समझो इसके बना रहा हूँ मैं, तो सर्कल कैसे होगा, टू कामा थ्री पे सेंटर्ड है और यहाँ पर रेडियस कितना है, टू है, तो टू कामा थ्री तो यहाँ पर कहीं होगा, लेट्स से। अच्छा अगर यहाँ पर ये टू कामा थ्री है, इसका मतलब देखो यहाँ पर ये टू हो गया, यहाँ पर लेट्स से कहीं थ्री हो गया, ठीक है, इधर कहीं, तो ये सर्कल क्या होगा, वाई एक्सिस को टच करेगा, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, टू है, मतलब ये सर्कल कुछ इस तरह से बन रहा होगा, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ बन रहा होगा ये सर्कल, समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि अगर इसका सेंटर 2.3 है और रेडियस भी यहाँ पर ये कितना है, 2 हो गया, सही है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट P मुझे ऐसे सेलेक्ट करना है इस सर्कल पे सच दैट एंगल पी ओ एक्स क्या हो जाए, सबसे मिनिमम हो जाए। तो पी ओ एक्स मतलब एक्स तो ये हो गया, ओ ये हो जाएगा, तो मैंने पी वाले पॉइंट को कैसे ले लिया, इस तरह से ले लिया कहीं यहाँ पर कहीं, ठीक है, ऐसे कुछ हो रहा होगा ये, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ कट कर लिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, पी। तो एंगल पी ओ एक्स मिनिमम हो, देखो मिनिमम एंगल तो यही होगा, क्योंकि इसके बाद अगर मैं और कहीं पी लूंगा, समझो अगर मैंने यहाँ पर कहीं पी ले लिया, इधर कहीं पी ले लिया या इधर कहीं पी ले लिया, तो उसके लिए क्या होगा, एंगल बढ़ जाएगा। तो एंगल तो मुझे क्या करना है, सबसे कम रखना है, ओके। अच्छा ये चीज़ मुझे पता है कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये भी टू है, ठीक है, और क्या क्या पता है हमें, चलो इसको अगर मैंने थीटा ले लिया, ओके, और चलो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ओके, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से भी चलो एक परपेंडिकुलर, अच्छा ये तो ये बात, ये तो 90, ये चीज़ तो समझ में आता ही है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इधर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर देखो ये थीटा है तो ये भी क्या है, ये भी थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से ये थीटा आ गया, ओके। अच्छा हमें चाहिए क्या है, हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ओके, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, इसका मतलब मुझे ये एंगल भी निकालना ही पड़ेगा, ओके। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि अच्छा ये जो लेंथ होगी, अच्छा इसका सेंटर कितना है, यहाँ पर 2.3 है, तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगी ये तो मैं निकाल ही सकता हूँ, ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको चलो मैंने क्या बोल दिया, सी बोल दिया, तो ओ सी कितना हो जाएगा,
4 प्लस 9 इसका रूट हो जाएगा, तो यहाँ से ओ सी कितना मिल गया, रूट 13 मिल गया. ओके और यहाँ पर मुझे ये जो सी पी जो है, जो रेडियस कितना है 2 है, ये तो हमें पता है. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ओ पी मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल. ये अगर मैं ये बोल दूँ ओ सी पी, तो ये क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री ट्राइंगल है. तो ये जो ओ पी होगा वो तो क्या है, एक साइड है. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ओ सी का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, सी पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर आ गया. तो यहाँ से हो जाएगा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 माइनस 4. ठीक है, तो यहाँ से ओ पी मेरे पास कितना आ गया, 9. 9 का रूट करूँगा तो कितना आ गया, 3. मतलब मुझे लेंथ तो यहाँ पर पता चल गई कि ओ पी की कितनी है, 3 है. बस एंगल और पता चल जाए मुझे. ठीक है, तो एंगल मैंने कैसे पता किया. अच्छा, अगर मुझे एंगल पता चल गया, जैसे ओ पी की लेंथ यहाँ पर कितनी आ गई, 3 आ गई. ठीक है, इसकी लेंथ यहाँ पर 3 आ गई, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 cos थीटा. ये चीज़ तो समझ में आता ही हमें. ठीक है, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ ये हो जाएगा 3 sin थीटा. अगर मुझे थीटा मिल जाए तो फिर तो मैं पी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ. तो मुझे थीटा चाहिए. थीटा निकालने के लिए मैंने क्या किया, चलो इस पॉइंट को मैंने ऐसे ले लिया, क्या बोल दिया, कुछ मैंने ऐसे ले लिया, ए ले लिया. ये वाले पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया. तो मैं बोल सकता हूँ ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी प्लस, ठीक है, ओ बी प्लस बी ए हो गया. ये कोई बड़ी बात नहीं लिखी. अच्छा, तो ओ ए यहाँ पर कितना था, 3 cos थीटा. ओ बी कितना है, ओ बी तो यही होगा जो बेसिकली यहाँ पर रेडियस है ये. ठीक है, जैसे इसको अगर मैंने डी ले लिया तो ये और ये तो क्या होगा, बराबर ही होगा. तो ये तो कितना हो गया, 2. बी ए कैसे निकालूंगा मैं, बी ए और देखो एग्जैक्टली डायग्राम में देखो, ये और ये लेंथ एग्जैक्टली सेम ही होगी. और ये वाली लेंथ मैंने कैसे निकाला, ये जो रेडियस है इसका प्रोजेक्शन ले लिया इधर. ठीक है, कैसे प्रोजेक्शन ले लिया, जैसे इस साइड अगर प्रोजेक्शन लोगे तब तो कितना आ जाएगा, 2 cos थीटा आएगा. तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा. आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, इस तरह से कुछ है. देखो यहाँ पर ये थीटा है. ठीक है, इस तरह से बन रहा है. तो मुझे ये लेंथ निकालना है, ये कितना है, ये 2 है. तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा हो जाएगा, पता है हमें ये चीज. ठीक है, तो क्या किया, इसको यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या किया मैंने, इसको यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दिया. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 8 sin थीटा. ओके, ये चीज़ तो समझ में आ गया. फिर मैंने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दिया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 8 sin थीटा. राइट, उसके बाद इसको तुम क्या करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू 8 sin थीटा. ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर ले आओ, तो ये हो जाएगा 13 sin स्क्वायर थीटा. ओके, प्लस ये कितना है, 8 sin थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा. आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं ये. ठीक है, तो यहाँ से तुम sin थीटा निकाल सकते हो. ये कितना हो जाएगा, माइनस 8 प्लस माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू 5 इंटू 13 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना आ गया, 26. ओके, तो क्या हो गया, यहाँ से sin थीटा आ जाएगा. अच्छा, और sin थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि एंगल यहाँ पर क्या है, एक्यूट एंगल है. ठीक है, अगर यहाँ पर एंगल एक्यूट है तो sin थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए. sin थीटा आ गया तो cos थीटा आ जाएगा, sin थीटा आ गया cos थीटा आ गया, तो p के कोऑर्डिनेट्स अपने आप आ जाएंगे. तुम चेक कर लेना कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा. जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 260. ठीक है, 260 प्लस ये पूरा बन जाएगा 324. ओके, 324 बन जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा. चलो इसको कर ही देते हैं. sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस 18 हो गया. ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ गया, 26. तो क्या लेना है मुझे, प्लस ही लेना है. तो प्लस लोगे तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 8, तो ये जाएगा 10 बाय 26. ठीक है, तो यहाँ से sin थीटा मेरे पास कितना आ गया, 2 से काट दिया, 5 बाय 13. ठीक है, अगर sin थीटा 5 बाय 13 है, हमें पता है cos थीटा कितना होगा, cos थीटा हो जाएगा 12 बाय 13. ये ट्रिपलेट्स होते हैं, याद रखा करो. ओके, तो यहाँ से मुझे sin थीटा भी मिल गया, cos थीटा भी मिल गया. तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कितने मिल जाएंगे, 3 टाइम्स cos थीटा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 12 टाइम्स, ये हो जाएगा. और दूसरा कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स sin थीटा, तो ये हो जाएगा 5 बाय 13. ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए. आई होप दिस इज फाइन. नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये तो अभी तक पहला पार्ट हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, बोल रहा है कि पी को ऐसे सेलेक्ट करो कि ओपी मैक्सिमम हो. अच्छा, तो पी को अगर ऐसे सेलेक्ट करना है कि ओपी मैक्सिमम, और पी वाले पॉइंट को सर्कल पे ही सेलेक्ट करना है, तब तो मैं ये वाला ही पॉइंट सेलेक्ट करूंगा. देखो ये वाला पॉइंट यहाँ से जो ऐसे बन जाए, ठीक है, यहाँ से खींच के इस साइड बन जाए, इसको मैं बोल दूंगा ये वाला पॉइंट कितना हो जाए, इसको मैं पी ले लेता हूँ, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा. ओके, तो इसके मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो इसको मैं कैसे निकालूं,
तो तुम देखो यहाँ पर कि अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी तो लेंथ तो मैं निकाल सकता हूँ। देखो ये जो OC लेंथ जो है, ये जो होगा इस केस में अभी OP जो है, OP इज इक्वल टू क्या होगा, OC होगा और ये कितना हो जाएगा CP। सेकंड केस की बात कर रहे हैं तो OP तो यहाँ से कितना आ गया, ये तो हमें पता है रूट 13 है, ठीक है। OC डिस्टेंस अभी थोड़ी देर पहले निकाला था और बाद में CP क्या है रेडियस, तो ये तो इसकी लेंथ हो गई। बस अभी हमें निकालना क्या है, निकालना हमें यहाँ पर इसका थीटा है, ओके। तो थीटा मैंने कैसे निकाला, तो बहुत इजी है निकालना, तुम देख सकते हो यहाँ पर जैसे इस तरह से अगर ये कोई ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी है 3 है, ये लेंथ कितनी है 2 है, तो ये कितना है थीटा है, ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 13 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम क्या करो, साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/√13 हो गया, ठीक है। कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2/√13 हो गया। बस पॉइंट पी को कैसे लिखोगे, सेम एग्जैक्टली वैसे ही लिखोगे, कैसे हो जाएगा ये पॉइंट पी हो जाएगा ओपी कॉस थीटा और ये हो जाएगा ओपी साइन थीटा। ओपी की लेंथ पता है, कॉस थीटा पता है, साइन थीटा पता है, तो पॉइंट्स आ गए। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लिया, अ लाइन थ्रू ओरिजिन इज ड्रॉन, ठीक है। टू पॉइंट्स ए एंड बी आर टेकन, ठीक है। लेट ओ ए बी 1, ओ बी 2 दे रखा है। थ्रू द पॉइंट ए एंड बी टू लाइंस आर ड्रॉन मेकिंग पाई बाय 4 विद ए बी, ठीक है। पाई बाय 4 विद ए बी, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। अच्छा क्या बोल रहा है ये, यहाँ से मैंने एक लाइन बनाया, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट ए होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट बी होगा, इसने क्या बोल दिया, ये ओ है, ये 1 है, ठीक है। और ओ बी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज़ क्या हो रहा है, ओके। उसके बाद अच्छा अगर ये 1 है तो ये भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 है और ये पूरा 2 है तो ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल दिया कि इन दोनों पॉइंट से मैंने दो लाइन्स बनाया जो पाई बाय 4 बना रहा है ए बी से, तो हो सकता है ऐसा कुछ बन रहा हो, ये एक लाइन बन रही होगी, ठीक है, जो पाई बाय 4 बनेगा और ये है एक और लाइन बनेगी, ठीक है। लाइन एक लाइन से दो लाइन बनाया जा सकता है, जो यहाँ पर क्या बनाए 45 बना दिया, तो ये कितना हो गया, ये पाई बाय 4 हो गया और ये भी कितना हो गया, पाई बाय 4 हो गया। फिर बोल रहा है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको क्या ले लिया, एच कॉमा के ले लिया, इसका मुझे लोकस फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पर क्या किया, चलो देखते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन यहाँ पर बनती है कि नहीं बनती। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो अगर यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये क्या होगा, उसको बाइसेक भी कर देगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बाइसेक कर देगा। इसका मतलब अब ये कितना हो गया, ये हाफ हो गया, ठीक है। ये वाले पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, सी ले लिया। 1 क्या था, 1 तो ये पूरा था, राइट, ये पूरा 1 था। हाफ किसको बोल रहा हूँ, ए सी को, ठीक है। तो ए सी यहाँ पर कितना हो गया, हाफ हो गया। तो यहाँ से ओ सी कितना हो जाएगा, दैट इज ओ ए प्लस ए सी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1 + 1/2, दैट इज 3/2। ये चीज़ तो चलो दिख गया मुझे, फायदा क्या है इसका, चलो देखते हैं। OC निकल गया। अच्छा अगर मुझे ये वाली लेंथ निकालना है तो PC निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये 45 यूज करूंगा और ये तो मुझे पता ही ऑलरेडी हाफ है, तो ये कितना देगा 10 45 इज इक्वल्स टू PC अपॉन, ये कितना देगा, AC हो जाएगा। और 10 45 तो वहाँ 1 होता है, तो हमें पता चल गया PC इज इक्वल्स टू AC होता है। वैसे भी यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसके लिए ये चीज़ देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखा जा सकता है, मतलब मुझे पता होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कि दैट इज पी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी बी। तो यहाँ से मैं पी सी कितना आ गया, पी सी इज इक्वल टू अगेन ए सी के बराबर हो गया, दैट इज हाफ हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो इसको मैंने ज्वाइन किया, ओ पी को मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस तरह से एक ट्राइंगल दिख गया, ठीक है, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, जिसमें ये पी है, ये ओ है, ये कितना है, सी है। तो यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं लिखी, पाइथागोरस लिखा है। अच्छा OP की क्या लेंथ होगी, OP की लेंथ तो ये होगी जो ओरिजिन से यहाँ पर इस पॉइंट की डिस्टेंस है, तो ये तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। OC यहाँ पर कितना था, OC यहाँ पर था 3/2, तो ये तो कितना हो जाएगा 9/4 हो गया। और PC यहाँ पर कितना है 1/2, दैट इज 1/4 हो गया। बस मेरे पास ज्योमेट्रिकल कंडीशन आ गई, एक रिलेशन आ गया मेरे पास, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 10/4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो होगा 2, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, बस हो गया, h और k को क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दो x और y, तो यहाँ से इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ये इसका लोकस हो गया, ठीक है। फेयरली इजी क्वेश्चन, ज़्यादा कोई टफ था ही नहीं। एक और ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और ले लिया, क्या बोल दिया, लाइन कट्स एक्सेस एट ए एंड बी एंड पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ऐसे कुछ बना दिया, कोई लाइन होगा जो इसको यहाँ पर ए और बी में कट कर रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ऐसे ले लिया 1, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे ले लिया 0, b ले लिया, ठीक है। अभी हमें ए और बी नहीं पता क्या है, सच दैट ओ पी
अच्छा पी क्या है इसका मिड पॉइंट राइट, पी इसका यहाँ पर कोई मिड पॉइंट है, पी इधर इस तरह से हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे ए बाय टू सॉरी, और ये हो जाएगा बी बाय टू, सही है ठीक है, ए बाय टू कॉमा बी बाय टू राइट ओके। उसके बाद क्या बोल दिया, सच दैट ओ पी स्क्वायर इज अ जी एम, जी एम मतलब ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ओ ए स्क्वायर, ओ ए मतलब ओरिजिन हो गया एंड ओ बी स्क्वायर ठीक है, देखते हैं इसका कैसे यूज होता है। फिर क्या बोल दिया, एम इज अ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू द लाइन एल ओके, तो अगर ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसे ये एम हो गया तो क्या करना, फाइंड द लोकस ऑफ एम ओके। तो मैंने क्या किया, पहले तो लोकस फाइंड करना है तो उसको एच और के ले लिया ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये लाइन एल की इक्वेशन लिख सकते हो, ये लाइन की एल की इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता है तो इसको कैसे लिखूंगा, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू वन हो गया। और हमें क्या पता है कि ये जो पॉइंट एम है इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, एच बाय ए प्लस के बाय बी इज इक्वल टू वन, तो ये एक इक्वेशन हो गई, देखते हैं इसका कैसे यूज आता है। अच्छा अगर मुझे ओ एम की लाइन फाइंड करना है तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो जैसे इसका जो होगा स्लोप ठीक है, किसका स्लोप, ये जो लाइन एल का स्लोप, लाइन एल का स्लोप कितना होगा, इस लाइन को तुम थोड़ा ऐसे लिख लो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, ऐसे हो गया ये ठीक है। तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का, परपेंडिकुलर लाइन को मैं कैसे लिख लूंगा, ए एक्स माइनस बी वाई, ऐसे तो लिखते हैं ठीक है, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखूंगा परपेंडिकुलर लाइन को। और अगर मुझे यहाँ पर ओ एम चाहिए तो मतलब मैंने बोल दिया कि ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन सेटिस्फाई करा दो, तो जब तुम ओरिजिन सेटिस्फाई करा दोगे तो तुम्हें लैम्डा जीरो मिल जाएगा, डाल के देखो लैम्डा जीरो आ जाएगा, इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ओ एम इसकी इक्वेशन कैसे आ गई, इस तरह से आ जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। इसको और कैसे लिख लिया, इसको इस तरह से लिख लिया, चलो ऐसे लिख लिया एक्स बाय बी माइनस वाई बाय ए इज इक्वल्स टू जीरो। और क्या खासियत है इसमें कि एम वाला पॉइंट भी इस पे लाई करेगा, तो मैंने क्या किया इसको सब्स्टिट्यूट करा दिया, एच बाय बी माइनस ए कितना हो जाएगा, वाई की जगह मैं के रखूंगा बाय ए इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये भी मेरे पास एक रिलेशन आ गया, इसको देखते हैं कैसे यूज करेंगे ओके। और मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, और मुझे यहाँ पर ये दे रखा है कि ओपी स्क्वायर, अच्छा ओपी स्क्वायर, ओपी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ओपी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बाय फोर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ओपी ओरिजिन से, ओपी स्क्वायर ये है ठीक है, ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर ये तो सिंपली ए स्क्वायर होगा राइट, और ओ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो सिंपली बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये ज्योमेट्रिकल मीन है इसका ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन है, इसका मतलब क्या है कि मुझे इसको इस तरह से लिख देना चाहिए, दैट इज ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर इंटू ओ बी का स्क्वायर, ये होता है ज्योमेट्रिकल कंडीशन, इस तरह से होती है। अगर तीन पॉइंट्स जी इसमें है जी पी में है तो क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होता है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है, ये तो ये चीज़ मुझे पता चल गई। इसको और कैसे लिख सकते हैं, उसको और इस तरह से लिख लिया, क्या किया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और ये वाले फोर को क्या किया ऊपर ले गए, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा कुछ, वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ठीक है, ये कोई कंडीशन आ गई ठीक है, इसको मैंने थर्ड बोल दिया। अब देखते हैं इसका कैसे यूज होगा, सीधी सी बात है, देखो मुझे क्या चाहिए, एच और के में रिलेशन चाहिए, और ए और बी भी नहीं आना चाहिए मेरे आंसर में, क्यों, क्योंकि ए और बी तो हमने माना है, ए और बी गिवन थोड़ी ना क्वेश्चन में। इसका मतलब देखो ये जो तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन से मुझे क्या करना है, ए और बी को एलिमिनेट करना है, तो क्या होगा एच और के में एक इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा तो क्या किया फिर मैंने, वन और टू को स्क्वायर करके ऐड कर दिया ठीक है, तो वन और टू को जब मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ठीक है, फिर यहाँ से हो जाएगा टू एच के अपॉन ए बी प्लस, फिर सेकंड वाले को स्क्वायर करके ऐड किया तो यहाँ से कितना हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा टू एच के अपॉन ए बी एंड दिस इज इक्वल टू वन प्लस जीरो का, तो वन आ जाएगा। तो तुम देख लो यहाँ से क्या कट रहा है, एक ये और एक ये वाला टर्म कट रहा है, तो बच क्या गया, उसको कॉमन ले लो, जैसे एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा के स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वन वन बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ से हमें ए स्क्वायर वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, दैट इज फोर, तो मैंने क्या किया इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फोर एच स्क्वायर प्लस फोर
के स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर भी एच और के में कोई भी, यहाँ पर कोई भी अननोन नहीं है, सिर्फ एच और के है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको एच और के को सिंपली एक्स और वाई में सब्सिट्यूट कर दो। आई होप समझ में आ रहा है। तो इसको सब जब तुम सब्सिट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फोर से डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई फोर। ठीक है, तो क्या आ गया इसका लोकस, एक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ओरिजिन से पास कर रहा है और जिसका रेडियस कितना है, वन बाई टू। आई होप दिस इज क्लियर। ओके।